कृषि मंत्री के दौरे का बड़ा असर हुआ है। कृषि उपज मंडी भाटापारा में धान की आवक बढ़ने के साथ कीमत में बढ़ोतरी हुई है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने किसानों व व्यापारियों के साथ अनाज नीलाम में भाग लिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी, जहां विगत 17 वर्षों से भार साधक समिति के बिना संचालित हो रही थी, जिसकी वजह से आए दिन अनाजों की कीमत, तौलिया, हमाल एवं व्यापारियों के बीच तालमेल का अभाव देखने को मिलता था और हफ्तों तक मंडी में खरीदी का कार्य प्रभावित होने से किसान परेशान होते थे। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा किसानों से सीधे जुड़ने, किसानों के बीच से ही भार साधक समिति का गठन कर शपथ ग्रहण कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा कराया गया, जिसका असर आज कृषि मंडी में देखने को मिला। भाटापारा से अमृत साहू की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के मार्गदर्शन में लगातार हम सुबह आ जाते हैं और किसानों को अधिक से अधिक धान का भाव मिले उसके लिए व्यापारी बंदियों के साथ समन्वय बनाकर किसानों को उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि भाटापारा में व्यापारी, हमार, रेजा, तौलैया और किसानों का आपसी समन्वय बना रहे और निरंतर हमारी मंडी प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे। मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे किसी भी भाई को किसी प्रकार की तकलीफ हो। आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी कल भाटापारा के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए थे। उन्होंने भाटापारा के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि नए मंडी के लिए शासन से परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने भाटापारा मंडी को चारों तरफ से शेड से घेरने का भी स्वीकृति प्रदान की है। हमारे किसान भाइयों के लिए एक नया सर्व सुविधा युक्त किसान भवन बनाने की मांग की घोषणा की है। तौलैया, रेजा, हमाल तीनों के लिए अलग अलग ऑफिस बनाने की भी उन्होंने घोषणा की है। आदरणीय रविंद्र चौबे जी के आने से भाटापारा में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में भाटापारा मंडी एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।